चीनी के दाम में गिरावट दिख रही है। स्थिति ये है कि चीनी के दाम अभी 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। बाजार में सप्लाई की चिंता दूर होने और उत्पादन बढ़ने से चीनी के दाम में गिरावट देखी जा रही है। दुनिया के 3 बड़े उत्पादक देश ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड से चीनी की सप्लाई बढ़ने के कारण इसके दाम लगातार घटते जा रहे हैं। आगे और भी गिरावट देखी जा सकती है। पिछले साल की तुलना में भारत में इस सीजन में गन्ने की पैदावार अधिक हुई है। पिछले साल के मुकाबले 25% ज्यादा उपज देखी जा रही है। दुनिया में गन्ना और चीनी के उत्पादन में मेक्सिको का भी एक बड़ा नाम है। वहां इस सीजन में चीनी के उत्पादन में बड़ी तेजी देखी गई है। इससे दुनिया के बाजारों में चीनी की सप्लाई बढ़ने से उसके दाम में गिरावट देखी जा रही है। वह यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA की एक रिपोर्ट में दुनिया के कई देशों में चीनी के उत्पादन के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें भारत के उत्पादन का भी पूरा ब्यौरा है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में चीनी का उत्पादन 34.7 मैट्रिक टन रह सकता है, जबकि पिछले साल यह मात्रा 33.76 मैट्रिक टन था। पिछले साल की तुलना में इस बार उत्पादन बढ़ने की संभावना है। पिछले साल की तुलना में इस साल खपत भी ज्यादा रहने की संभावना है। USDA की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भारत ने 7 मैट्रिक टन चीनी का निर्यात किया था, जो इस बार 6 मैट्रिक टन यानी कि 6 लाख टन रह सकता है। गन्ना पेराई के पिछले सीजन में भारत ने कई बाहरी देशों को 7.2 लाख टन चीनी का निर्यात किया था। भारत के चीनी मिल मालिक और निर्यातकों ने अब तक 2.1 लाख टन निर्यात के लिए डील पर साइन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया में चीनी उत्पादन और निर्यात का एक केंद्र बिंदु होगा। ब्राजील में चीनी का उत्पादन इस बार बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि पिछले कुछ साल का रिकॉर्ड देखें तो हल्की गिरावट दिखेगी। कोरोना से प्रभावित गन्ने की खेती में इस सीजन में अच्छा सुधार देखा जा रहा है। थाईलैंड में चीनी का उत्पादन और निर्यात बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल तक खेती प्रभावित रहने के बाद इस सीजन में बम्पर पैदावार देखी जा रही है। पिछले सीजन में थाईलैंड में 7.58 मैट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ था, जो इस बार 10 मैट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि अनुमानित दर से यह कम रहेगा, क्योंकि थाईलैंड में चीनी उत्पादन का अनुमान 10.6 मैट्रिक टन जताया गया था, जो 10 मैट्रिक टन तक रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।